मुर्गी पालन में सबसे बेस्ट है देसी मुर्गी पालन में फ़ायदा। आप अगर देसी मुर्गी पालन करना चाहते हो तो बहुत ही फ़ायदा है उसमें, ज़्यादा फ़ायदा है। ज़्यादा फायदा ऐसा है कि तो देसी मुर्गी होती है ना, उनकी आजकल हमारे देश के अंदर ज़्यादा प्रचलन हो गया, यानी कि देसी अंडा खाना बहुत ज़्यादा करते हैं। मेरे तो एरिया के अंदर है ना देसी मुर्गी ज़्यादा प्रसिद्ध और ज़्यादा बच्चे बिकते हैं, ज़्यादा अंडे बिकते हैं देसी मुर्गी के हमारे एरिया में। तो आपको वैसे अलग अलग इलाके का अलग अलग है, कोई मीट परपज के लिए पालते, कोई अंडे के लिए। हमारे अंडे के लिए इनको बहुत ज़्यादा डिमांड है इनकी, और बहुत अच्छी कट इनकम भी होती है देसी मुर्गी में। जैसे हमारे असील मुर्गे हो गए, मेरे पास जो असील मुर्गे हैं, तो इन असील मुर्गों को मैं पालता हूँ तो इनका अलग ही बेनिफिट है। इनका अंडा सेल नहीं करता, केवल मुर्गे ही बेचता हूँ मैं, सिर्फ मुर्गियाँ और मुर्गे। तो ये मैं एक साल के 100 के अलग से लमसम बच्चे मुर्गे निकाल लेता हूँ मैं, 100 पूरे असील प्योर असील के, कभी देख रहे स्क्रीन के सामने। तो ये मुर्गा मैं 10 महीने में जाके तैयार होता है, तो 10 महीने का 10,000 का बेचता हूँ, 5 महीने का 5 का, और 3 महीने का 3,000 का। 3,000 3 महीने से बेचना शुरू कर देता हूँ, उससे पहले 3 महीने से पहले नहीं बेचता, उनको पता नहीं चलता कि कौन अच्छा है कौन सा ख़राब है। ख़राब होता उनको मैं नहीं देता, उनको काटने के लिए उन दे दो, लेकिन अच्छा होता वो देता हूँ, बंदा ले जाए उसको अच्छा लगे। तो ये फायदा है इनका। 100 मुर्गे तैयार करता हूँ, जिसमें 80 मुर्गे में बेच देता हूँ अच्छी अच्छी इनकम में। तो कितना फ़ायदा का बंदा निकालो एक साल के अंदर। उसके बाद मैं कड़कनाथ पालता हूँ, तो आजकल कड़कनाथ की बहुत डिमांड है हमारे देश के अंदर। कड़कनाथ के अंडे के बारे में आपको पता नहीं क्या, कितना कॉस्टली अंडा होता है, कॉस्टली मीट होता है कड़कनाथ में, बहुत ज़्यादा प्रचलन है कड़कनाथ का। तो मेरे पास प्योर कड़कनाथ है, कड़कनाथ की पहचान, कड़कनाथ पूरे काला होता है, बिल्कुल काली, अंडा भी काला देता है, मीट भी काला होता है, उसका गला फाड़ के देखो तो भी पूरा अंदर से मुंह भी पूरा काला, जीभ काला, सब काली है उसका बिल्कुल। अंडे भी काले देता है, अगर निकालते हो तो ब्लड भी काला देते हैं, तो कड़कनाथ भी अच्छी है। एक होती है रोग स्टार, जिसको टेनी ब्रीड बोलते हैं, टेनी हमारे राजस्थान में, वो हमारे भारत की ब्रीड है, सबसे पुरानी ब्रीड में से एक है। उसकी मुर्गी 30 अंडे देती है, मुर्गी 30 अंडे देती हो, इन्हीं में टेढ़ी मुर्गी है वो, पर बैठी देखो वो ब्राउन कलर की, जिसमें ये मुर्गी 30 अंडे देती है, बच्चे निकालने में अच्छी है, वो डिंकर के ऊपर बैठी है, टेढ़ी मुर्गी है ये, 30 अंडे देती है महीने में, और 2-3 दिन सेवन मांगती है, फिर वापस कुड़क होकर वापस अंडू पर आ जाती है। तो इनका फ़ायदा है फ़ायदा। ये जो दिख रहा मुर्गा रोग स्टार्ट है, ये टेढ़ी मुर्गा है उस मुर्गी के साथ में। तो इनको जब मुर्गी अंडे पर आती है तो मैं मुर्गी को अंदर अलग करता हूँ और मुर्गों को अलग रखता हूँ, अलग अलग वैरायटी के अलग अलग है, तो सबका अलग अलग काम है। आप देख सकते हो हमारे स्क्रीन के सामने। तो इनके अंडे भी बेच देता हूँ, मीट के लिए भी इनको बेच देता हूँ। कितने बेस्ट क्वालिटी के मुर्गे दो, ये असील देखो, ये प्योर असील देखो, ये कितना हाइट असील देखो, ये गोरा देखो, वो खड़ा काले वाला, ये देखो, ये इसी के बच्चे, ये पूरे ये बच्चे अभी बोलने लगे, अभी कितने इनकी चमक है देखो, कितने इनकी चमक आ रखी है इनके। तो मैंने बता दिया कि मुर्गी देसी मुर्गी पालन के फायदे, इनसे बच्चे भी ले सकते हैं हम। कड़कनाथ बच्चे नहीं निकालती है, कड़कनाथ कंटिन्यू अंडे देती है और 2 साल के अंदर अंदर वो ख़त्म हो जाती है, उनका जीवन काल 2 साल का होता है। बाकी टेनी का असील का 8 साल तक तो जिंदा रहते रहते हैं। ये देखो जब इससे बड़ा होगा तो कितना बढ़िया होगा, अभी तो इनके साथ में डरता है, लेकिन जब अकेला होगा तो कितना अच्छा होगा। देखो कितनी चमक है इनकी, देखो मालूम है आँख, देखो कितने अंदर है, कोई किलिंग किलिंग कोई नहीं, नहीं ऊपर नहीं, नहीं तो वो देखो टेनी मुर्गा उसके देखो कैसे लटक रही है, तो लग रही किलिंग की नीचे ऊपर इनके देखो बिल्कुल नहीं है। ये भी टेनी मुर्गा देखो नीचे आ रही है किलिंग की, बाकी असील की देखो ये इनके नहीं है बिल्कुल, ये प्योर असील है। ये देखो ये टेनी मुर्गी ब्लैक स्टोन ब्लैक का काला कलर की रखना आदमी है मुर्गी, टेनी मुर्गी है।
रात के समय ऊपर बैठ जाते थे वो ये, अभी इनका जो बारिश आए हवा आए तो पानी का छिटाने लगे नीचे इनका, ज़मीन में बिल्कुल नहीं बैठते, ज़मीन में बैठते उनके पैरों में, रात को ज़मीन में बैठते उनके पैर खराब हो जाते हैं इनका। देसी मुर्गों को बस यही पहचान, अगर ज़मीन के अंदर बैठेंगे तो उनके पैर खराब हो जाते हैं। इसलिए रात के समय पूरे ऊपर बैठते हैं, जब बच्चे छोटे वाले होते हैं वो मुर्गी को नीचे लेके बैठते हो अंदर बैठे ना मुर्गियों को, तो इनको मेरे तो फुल बेनिफिट है भाई। मैंने बता दिया असील मुर्गे, सो मुर्गे प्योर तैयार करता हूँ मैं साल के, बाकी कड़कनाथ अलग तैयार करता हूँ, और ये ज़्यादा नहीं रखता मैं, सो ही तैयार करता हूँ, सो भी सील कर देता हूँ, इतने निकाल देता हूँ। ये देखो घूम रहे, दिन के समय डालते हैं इनको पीड़ उड़ा खाते हैं, आजकल थोड़ा कम ही डालता हूँ, बारिश का सीजन है। और इनका एक सबसे मोटा फायदा है फीड का, दिन भर इनको बाहर रखो, फ्री रेंज एरिया के अंदर घूमते रहते हैं दिन भर, मेरे कई वीडियो हैं तो इनमें घूमते रहते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है फीड में। घास वगैरह कुत्ता वो खा लेते हैं, कीड़े मकोड़े खा लेते हैं, बाजार से मैं मीट ला के डाल देता हूँ इनको, वो खा लेते हैं ये वो। फिर का मीट आता है वो डाल देता हूँ, उनको सब डाल के खा लेते हो। कितना बेहतरीन क्वालिटी का मुर्गी दिखाया मैंने आपको, तो लकड़ लगा रखे मैंने इनमें बैठने के लिए, ऊपर बैठ जाए देसी तरीके से, फालतू खर्चा नहीं इसे नॉर्मल। देखो बच्चे छोटे हैं, असील के नहीं है वो, है टेढ़ी मुर्गी है, बच्चे निकलने के लिए असील के बच्चे मैंने सील के लिए, एक ही काले वाला ये काला दिखा रही है असील का बच्चा, एक ही है उसके काले वाले का, बाकी टेढ़ी मुर्गी है नॉर्मल मुर्गी है। असील मुर्गी अंडों पर बैठा रखी है पूरी, इतने बच्चे लेके अंडे बैठे हैं, मैंने किस प्रकार मुर्गी फार्म बना रखा आप देख सकते हो। झगड़ा आपसे नहीं मारते बहुत, वो उसके चांस मारता है, वो उसके चांस मारते हैं, इनका ही बहुत प्रॉब्लम है। आप सिर्फ मारते उसको, मार रहे उसको, मार रहा उसको, मार रहे उसको, मार रहे ये तो हमारा एक छोटा सा मुर्गी फार्म मैंने आपको दिखाया, इसका बेनिफिट मैंने बता दिया, क्या फ़ायदा होता है।